भागवत गीता, ठीक है। और ये वर्ल्ड नंबर वन जो है भागवत गीता बनाया गया है, जिसकी खासियत क्या है कि ये पहली ऐसी भागवत गीता है भारत में जो तीन भाषाओं में एक साथ बनाई गई है, एक संस्कृत में, दूसरा हिंदी में और तीसरा इंग्लिश में। खूबसूरती क्या है कि ये पूरा जो पेपर है पूरा डिजिटलाइज तरीके से लिखा गया है, इसमें जो सारे लैंग्वेज के लिए यूज की गई है ये इंक, ये सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब जो पढ़ने वाले वो तो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, और जो नहीं पढ़ सकते हैं उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, एक स्पेशल डिवाइस बनाया गया है, इसको कहते हैं फ्लूट, और ये इसके साथ स्टैंड है, बस इसको रख देना है। इसमें पूरा चार्जेबल सिस्टम है ये, और आप ज़्यादा साउंड चाहिए तो होम थिएटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको स्टार्ट करके सुनाता हूँ, आप यहाँ पर जैसे रखेंगे लिखी हुई है गेट स्टार्ट, ये शंख की ध्वनि आएगी, मतलब किताब के सारी चीज स्टार्ट हो गए। सप्तम अध्याय से मैं सुनाता हूँ आपको, ये सारे सिंबल आरती के हैं, बस इनको रखना है, और ये आप आरती चेंज भी कर सकते हैं। संख पे रखेंगे, संख की ध्वनि सुनाई देगी। इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज पे अगर आप रखते हैं, जस्ट मैं संस्कृत पे रख रहा हूं, हिंदी पे रखते हैं, हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है, इनसे हम जीते या वे हमको जीते। इंग्लिश पे रखना है, We do not even know what to do. उसके एक और खूबसूरती चीज मैं बताता हूँ, इसमें जो भी पिक्चराइज किए गए हैं, इस पिक्चराइज का जो बैकग्राउंड होगा ना उसकी ध्वनि सुनाई देगी। बहुत कम है यहाँ पे, अब जैसे ये वाला है, हल्की सी म्यूजिक सुनाई देगी, एक बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। एक बांसुरी की डायग्राम है, इसकी ध्वनि सुनिए। अब वो अध्याय आपको पता है, अब ये यहाँ से शुरू होती है, नहीं पहले भी स्टार्ट। और इसका क्या रेंज से कोई मतलब है, इसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, 8 घंटा इसका बैकअप है। और इस पर एक बड़ा खूबसूरत चीज बनाया गया है कि आप इंडिविजुअल श्लोक को पढ़ ही सकते हैं, अब जैसे बहुत लोग काम भी कर रहे हैं और श्लोक सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिम्बॉल बनाया गया है, ये संस्कृत बोलेगा पूरा एक अध्याय, ये इंग्लिश बोलेगा पूरा एक अध्याय, और ये हिंदी बोलेगा पूरा एक अध्याय। आप रख दोगे जैसे ये देखो, धृतराष्ट्र सेड, इंग्लिश में ये बोल रहा है, गधे की तरह, और उसको सच में जब आप छुएंगे ना तो आपको फील होगा कि मैं गधा ही पकड़ रहा हूँ, इतना ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन है। और प्लस उसकी खूबसूरती क्या है कि वो 9 भाषाओं में बनाई गई है,
हनुमान के जो सारी चीजें होती है वो सारी चीजें, कुछ इंडिविजुअल चीज उसमें क्या डाला गया है, जैसे कई लोगों को रामायण के पात्र के हिसाब से सब पता है, लेकिन एक्चुअली में राम राज्य में जो घटनाएं हुई थी वो किसी को नहीं पता है। राम जी का लव कुश का आखिर क्या हुआ, उनके जो रिलेशन थे, रिलेशनों का क्या क्या बैकग्राउंड था, वो सारी चीज़ किताब में दी गई है। प्लस उसके साथ एक बाल जो है हनुमान का एक डिजिटल बुक बच्चों के लिए उसने इनबिल्ड करके बनाया गया जो 9 भाषाओं में होती है। माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळवण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा आणि महा MTBला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।